तो गाइस आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो मैं इस वीडियो में सरवाइव कर पाऊंगा, ये देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के लिए हमारे कुछ गोल्स भी होंगे। हमारा पहला गोल होएगा एक फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड आर्मर बनाना, दूसरा गोल होएगा हमारा एक बढ़िया सा हाउस बनाना, और तीसरा गोल होएगा हमें एंडर ड्रैगन को बीट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस डे 1 पे स्पॉन होती है, हमने वही काम किया जो हमें करना था, वुड काटी। और जब तक मैं वुड कट कर रहा हूँ तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने वुड कट कर लिया, तो जल्दी से इससे अपने वुडन टूल्स बनाते हैं। तो मैं टूल्स से बन चुके हैं, जल्दी से आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस आइलैंड को। तो ये थोड़ी सी वुड और कट कर लेते हैं, आगे काम आएगी, स्टोन के टूल्स भी बनाने हमें। जल्दी से आगे चलते हैं। और ये क्या है, रवीन तो नहीं है ये। चलो इसमें क्या जाएंगे, यहाँ पे आयरन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आगे मुझे स्टोन भी दिख रहा है, जल्दी से आगे जाते हैं और स्टोन माइन करते हैं और अपने स्टोन के टूल्स भी बना लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पे कोल भी है, इसमें कोल को ही माइन कर लेंगे जल्दी से। पहले स्टोन के टूल्स बना लेते हैं। One eternity later. तो गाइस हमारे स्टोन के टूल्स भी बन चुके हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो हमें पिक दिख रहा है, इससे फूड भी कलेक्ट कर लेते हैं। चलो पिक को मार लेते हैं जल्दी से, फूड भी कलेक्ट करना है और आगे हमें और भी तो एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे डॉग है बट मेरे पास बोन्स नहीं है, वरना मैं इसको टेम कर लेता। तो आगे चलते हैं, हमें यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे विलेज भी ढूंढना है। और एक सेकंड, यहाँ पे किसने TNT फोड़े? बट हमें क्या है, मेरे को तो सामने आयरन मिल रहा है, तो जल्दी से आगे चलते हैं। पैसा ही पैसा होगा। इस केव का सारा आयरन कलेक्ट कर लेते हैं और फिर अपने आयरन के टूल्स वगैरह बनाते हैं। तो गाइस मैंने सारा आयरन कलेक्ट कर लिया केव से, और थोड़ा सा आगे जाने में मेरे को डर लगा क्योंकि मेरे पास कोई आर्मर वर्मर नहीं है, और आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाज़ आई थी। तो हमारे पास वैसे भी बहुत आयरन आ चुका है, तो जल्दी से बूट्स भी बना लिया मैंने, और आयरन की पिकेस तो है ही मेरे पास। और यहाँ पे जल्दी से अपना सारा सामान कलेक्ट कर लेते हैं और आगे चलते हैं, यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं, तो जल्दी से यहाँ पे और एक्सप्लोर कर लेते हैं, जल्दी आगे चलते हैं। मैंने अपना सारा सामान कलेक्ट कर लिया है और अब जल्दी से अपना ये पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम आगे चल जाएंगे दूसरे आइलैंड पे। तो फूड की भी कमी, हमें फूड भी कलेक्ट करना पड़ेगा, और देखते हैं आगे कोई एनिमल मिल जाए तो उसको ही मार के फूड कलेक्ट कर लेंगे। तो सामने तो कुछ है नहीं, जल्दी से बोट लेके सामने वाले आइलैंड दिख रहे हैं उस पर चलते हैं, और ये पार कर करते हैं अपना हम। और ये कोई नहीं गाइस, तो चलता रहता है ऐसे ही पार करने, मैं बाद में भी कर लूंगा, बट जल्दी से आगे चलते हैं। पहुंच चुके हैं, जल्दी से ऊपर चलते हैं अब। और ये मेरी बोट है तो इसको जल्दी से तोड़ लेते हैं, बोट को थोड़ी छोड़ेंगे, तो जल्दी से बोट को भी तोड़ लेते हैं और कलेक्ट हो चुके हैं। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं और यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइस बहुत देर तक एक्सप्लोर करने के बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं आगे, अगर कुछ नहीं मिला तो मैं दूसरी। ओह माय गॉड, वाओ। और हमें यहाँ पे रुइन पोर्टल मिल चुका है, जल्दी से इसकी लूट कलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें चेस्ट प्लेट और दो स्वॉर्ड और एक शवल और नगेट्स और फ्लिंट है, ठीक है लूट भी। और जल्दी से अब लूट कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक भी पाएगा, गोल्ड का ब्लॉक भी कलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें सिर्फ नेदर पोर्टल बनाने के लिए एक ऑब्सीडियन की कमी है, और हमारे पास डायमंड की पिकैक्स भी नहीं है जो ऑब्सीडियन आसपास से माइन करके यहाँ पे लगा दें, तो कुछ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं और यहाँ से थोड़े से नेदर एग भी कलेक्ट कर लेते हैं, आगे ब्लॉक्स के लिए काम आएंगे। तो चलो ऊपर चलते हैं अब, और अब हमें क्या काम करना है, बस एक्सप्लोर ही करना है। तो जल्दी से और एक्सप्लोर करते हैं, और सामने डेजर्ट बायोम है तो उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं।
much later. तो गाइस बहुत सारा एक्सप्लोर करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, और सामने एक बस लावा पूल है, और यहाँ पे नाइट भी होने वाली है, जल्दी से सोने की ट्राई करते हैं, बट अभी तक नाइट हुई नहीं है, तो जल्दी से लावा पूल के पास जाके सो जाते हैं। सुबह वहाँ पे सब कुछ अपना मेल्ट कर लेंगे, खाना भी कमी हो रही है, सब कुछ कुक कर लेंगे खाना भी, और अपना आयरन भी मेल्ट कर लेंगे, तो यहीं पे सो जाते हैं। तो गाइस डे टू हो चुका है, जल्दी से अपना बेड माइन करके यहाँ पे अपना आयरन स्मेल्ट कर लेते हैं, ताकि हम बकेट बना सकें और फिर अपने एक लावा कलेक्ट कर सकें। तो अपनी फर्नेस का येरी फर्नेस जल्दी से प्लेस करते हैं, और अपना आयरन और फूड भी हमें कुक करना है, क्योंकि फूड की भी बहुत कमी है। तो गाइस मैंने आयरन बना के उसमें लावा भी रख लिया, और मैंने अपना सारा फूड भी कुक कर लिया है, तो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हमारा कोई काम नहीं है, और आगे देखते हैं यहाँ पे डेजर्ट में हमें डेजर्ट टेम्पल मिल जाए, और आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कुछ हमें डेजर्ट टेम्पल और कुछ मिल जाए तो। और वो क्या है? तो गाइस हमने बोला और हमें डेजर्ट टेम्पल प्लस डेजर्ट विलेज मिल चुका है, और मेरे को डेजर्ट विलेज इतना अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से सारा लूट कलेक्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं प्लेन बाय उनके विलेज को ढूंढ के, उसके पास ही अपना बेस भी बना लेंगे। जल्दी से पहले तो अपना डेजर्ट टेम्पल को लूट करते हैं, ये ब्लॉक तोड़ देते हैं पहले जल्दी से, और फिर नीचे जाके अपने चेस्ट में लूट करेंगे। तो चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, और सबसे पहले ये प्रेशर प्लेट तोड़ देता हूँ, ताकि फिर नीचे TNT ना फट जाए, और यहाँ पे टॉर्च भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे हमें मिले आयरन बोन्स और स्ट्रिंग्स, इतनी ठीक ही लूट है। और गाइस मैंने अपनी सारी लूट यहाँ से कलेक्ट कर ली है, और जल्दी से अब ऊपर चलते हैं, थोड़े ब्लॉक की कमी भी है, जल्दी से ऊपर चलते हैं, फिर अपने विलेज को भी लूट करेंगे और फिर अपने चल पड़ेंगे। जल्दी से मैं अपना यह बेड कलेक्ट कर लेता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल भी कलेक्ट कर ही लेता हूँ, चलो और आगे चलते हैं। और गाइस मैं आपको ये पूरा विलेज लूट के फिर मिलता हूँ। तो गाइस मैंने पूरा विलेज को लूट कर लिया है, तो अब हम आगे चलते हैं दूसरे आइलैंड पे, क्योंकि ये आइलैंड तो खत्म हो चुका है, और यहाँ पे आयरन है, तो जल्दी से इसको ही माइन कर लेते हैं, और यहाँ पे और कुछ तो नहीं है, चलो आगे चलते हैं और अपनी बोट प्लेस करके दूसरे आइलैंड की तरफ निकल लेते हैं, और अपनी बोट लगा के अपना फिर से एक पार कर, जो कभी हमसे हुआ नहीं, तो चलते हैं गाइस आगे। और ये ड्राउन मेरे को बहुत डैमेज कर रहा है, ट्राइडेंट वाला है, तो जल्दी से आगे चलते हैं दूसरे आइलैंड की तरफ। तो गाइस फाइनली हमें एक आइलैंड मिल चुका है, जिस पे हम रह सकते हैं, और जल्दी से यहाँ पे जाके हम बेड प्लेस करके अपना सो जाते हैं, वरना हमें ज़ोंबी मार डालेंगे, और जल्दी से अपनी बोट भी कलेक्ट कर लेते हैं। और ये मैंने अपनी गोल्डन स्वॉर्ड से इसको तोड़ा, तो मेरी गोल्डन स्वॉर्ड की HP आ गई होगी, वाह भाई। और हम इसको बाद में देखेंगे, पहले आप ऊपर जाके सो लेते हैं। और ये हमारा स्वागत सुबह उठते ही ज़ोंबी ने किया, जल्दी से इसको मार देता हूँ, और हमारी गोल्डन स्वॉर्ड की HP खत्म होने को आ गई, मैंने इतना सा किया, जल्दी से अपनी स्टोन वाली स्वॉर्ड को आगे कर लेते हैं, वरना हमारी गोल्डन स्वॉर्ड तो यूं टूट जाएगी। वैसे कोई काम की तो नहीं है गोल्डन स्वॉर्ड, बट उसमें फायर एस्पेक्ट लगा हुआ है, तो काम आ जाएगी। और ये वाला ज़ोंबी तो खुद ही मर गया, तो जल्दी से इस, ये आइलैंड भी बहुत छोटा है, तो इसको भी हमें छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। तो गाइस हमने उस आइलैंड को छोड़ दिया, क्योंकि उस पर ज़्यादा कुछ था नहीं, और हम नए आइलैंड की तलाश में आगे चलते हैं। तो गाइस हमें फाइनली नया आइलैंड मिल चुका है, और ये बहुत बड़ा आइलैंड है, तो यहाँ पे हमें विलेज में मिल ही जाएगा, तो जल्दी से अपने बोट को तोड़ के ऊपर चलते हैं, और उतर चुके हैं हम, जल्दी से इस बोट को भी तोड़ लेते हैं, और तो कलेक्ट भी हो चुकी है हमारी, और जल्दी से ऊपर भी चलते हैं, और हमारा खाना भी ख़त्म होने वाला है, खाना भी कलेक्ट करना है हमें, चलो ऊपर चलते हैं, जल्दी से इस काव को मार लेते हैं, ताकि ओ यार निकल ही नहीं रहा, चलो हमने इस काव को मार लिया, तो आगे चलते हैं विलेज की तलाश में। तो गाइस हमें विलेज तो नहीं, बट यहाँ पे एक रवीन मिल चुकी है, जिसमें मेरे को आयरन दिख रहा है, तो इससे भी सारा आयरन हम कलेक्ट कर लेते हैं पहले।
तो गाइस मैंने सारा आयरन कलेक्ट कर लिया और हमारे पास इनफ आयरन भी हो चुका है, तो जल्दी से ऊपर चलते हैं अब और विलेज को तलाश करते हैं, और विलेज मिल जाने के बाद हम उसमें अपना बेस बनाएंगे। तो गाइस फाइनली हमें सामने विलेज भी मिल चुका है, जल्दी से उस विलेज में चलते हैं। तो गाइस हम फाइनली विलेज में आ चुके हैं और जल्दी से यहाँ की लूट कलेक्ट करते हैं और अपना बेस बनाते हैं। इनमें से ये घर को एक बार अपना टेम्परेरी बेस बना लेंगे, फिर अपना एक बढ़िया सा हाउस बनाएंगे। तो जल्दी से यहाँ पे अपना पहले रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ और अपना आगे चलते हैं आप और विलेज को लूटते हैं। जो सामने हमें ये घर मिल दिख रहा है जो इसका कोल्ड्रन है, तो जल्दी से इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं, हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ने वाले इस विलेज में। और आगे चलते हैं और ये आयरन गोलम भी है वहाँ पे, बट अभी इसको नहीं मारेंगे, घूमने दो, रात होने वाली है, ज़ोंबी से बचाएगा अपने विलेज को क्योंकि हमारे पास आयरन की भी कोई कमी है नहीं। तो गाइस मैंने पूरे विलेज को लूट लिया और हमारे पास 38 ब्रेड भी हो चुकी है। तो और अब हम अपने टॉर्चेस बना के यहाँ से माइनिंग शुरू करते हैं ताकि हम अपना डायमंड का फुल आर्मर बना सकें। और यहाँ से अपना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर लिया है और अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अपनी माइन बनाते हैं बढ़िया सी। तो गाइस मैं माइन कर रहा था और नीचे हमें एक केव मिल चुकी है बड़ी सारी, बट मेरे को स्ट्रिप माइनिंग करनी थी तो अब क्या करें। ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ केव में जाने से। झूठ बोल रहा है। चलो ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे सामने इतनी बड़ी केव क्या है? ओ भाई साहब, यही केव उसे कनेक्ट पाएगी जिसमें मैं जाने वाला था, बट कोई ना, हम दूसरे विलेज में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी स्ट्रिप माइनिंग शुरू करते हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट तो था ही, पता नहीं मैं बार बार क्यों रिस्पॉन पॉइंट सेट कर रहा हूँ। चलो अब सामने चलते हैं और दूसरे विलेज में स्ट्रिप माइनिंग शुरू करते हैं। मुझे सामने वाला घर अच्छा लग रहा है, चलो इसमें शुरू करते हैं अपनी स्ट्रिप माइनिंग। और यहाँ पे दो विलेजर ये पता नहीं क्या कर रहे थे, चलो नीचे अब शुरू करते हैं अपनी स्ट्रिप माइनिंग। Much, much, much later. तो आज मेरे को इतनी देर हो चुकी है माइनिंग करते हुए, मेरे को अभी तक एक भी डायमंड नहीं मिला है, तो देखते हैं हमें डायमंड मिल भी पाता है कि नहीं। थोड़ा सा, ओह गाइस, ओह माय गॉड, वाओ। तो जल्दी से आसपास भी माइन कर लेते हैं, कभी यहाँ पे और भी डायमंड, आसपास तो कुछ नहीं है बट हमें एक ही डायमंड मिला। तो देखता हूँ यार, एक ही डायमंड से दुकान जोड़ी चलेगा, एक और डायमंड इसके साथ में, वाह। शुरू अब हो चुकी है हमारी दो डायमंड की कमाई, और चलो और भी माइनिंग करते हैं, देखते हैं हमें और कितने डायमंड मिल सकते हैं। माइन माइन, ओ गाइस हमें यहाँ पे एक केव मिल चुकी है बड़ी सारी, यहाँ पे आसपास सारी जगह लावा ही लावा है, और सामने आयरन भी है, और यहाँ पे आसपास कहीं डायमंड तो नहीं। चलो इस केव को भी एक्सप्लोर करते हैं। चलो चलते हैं ऊपर, इस आयरन को दोबारा में कलेक्ट कर लेंगे, बट पहले जाके आसपास देखते हैं कभी कहीं डायमंड हो। यहाँ पे तो कहीं डायमंड नहीं है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, डायमंड मिल ही जाए। और यहाँ पे भी केव है, यहाँ पे टॉर्च लगाया था, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी एक टॉर्च प्लेस करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। सामने तो बहुत अंधेरा है, मैं सामने नहीं जाऊंगा, यहाँ पे कोई मोस, और यहाँ डायमंड, आसपास कोई मोव तो नहीं है। जल्दी से इस डायमंड को भी माइन कर ही लेते हैं, और हमें यहाँ से सिर्फ एक ही डायमंड मिला। चलो कोई ना, सामने चलते हैं। ओ यार सामने से तो बेबी ज़ॉम्बी आ रहा है, चलो जल्दी से भागते हैं वरना ये हमें अभी हमारी सीरीज ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे एक स्पाइडर भी है, जल्दी से भागना पड़ेगा वरना ये सारे हमें अभी ओ यार ये स्केलेटन भी,
चलो आगे चलते हैं, वरना ये अभी हमारा खत्म ही कर देंगे माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड। इतना ही मैं प्रो हूँ कि मैं इनको मारूं, और ये बंद करता हूँ वरना यहाँ से ज़ॉम्बी आ जाएगा। थोड़ा सा माइंड करके देखता हूँ चल गई क्या। अरे ये तो प्रोगिरी दिखा के इस बेबी ज़ॉम्बी को भी अपने पापा मतलब इसके ज़ॉम्बी के पास भेज दिया, और फिर मैंने यहाँ से बंद कर दिया ताकि कोई और ना, मैं मरना नहीं चाहता अभी। और हमारे पास 7 डायमंड हो चुके हैं, और यहाँ से मैं अपनी एक और नई शिप माइनिंग शुरू करने जा रहा हूँ। चलो यहाँ से देखते हैं हमें कितने डायमंड मिलते हैं। मैं सारे डायमंड कलेक्ट करके आपको ऊपर मिलता हूँ। गाइस मैंने ये अपना हाउस भी बना लिया डे 15 तक, बट मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था कुछ इश्यूज के कारण। और आप इस हाउस को रेट करना कमेंट में कैसा है। यहाँ तक तो हमारी सीरीज अच्छी चल रही थी, बट अगले दिन जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन खोला उसमें माइनक्राफ्ट ही नहीं था, मतलब घर में से किसी ने माइनक्राफ्ट डिलीट मार दिया, और हमारी 100 डेज की सीरीज यहीं ख़त्म हो गई थी। मैंने माइनक्राफ्ट वापस डाउनलोड किया था और उसमें हमारा वर्ल्ड भी नहीं था, सो हम कुछ नहीं कर सकते थे। बट मैं ऐसी वीडियो और डालता रहूँगा, उसके लिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाय।